Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So हमने जो सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करना चालू किया था. इसके पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 15 तक वो अपलोड हो चुका है. और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक. ओके सो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. आप ये तो देखिए बट ये वीडियोस देखने से पहले प्लीज गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ सो दैट आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं. और फिर अगर ये वीडियोस देखेंगे तो उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर किसी क्वेश्चन के साथ में जैसे हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहे बट पूरा का पूरा टॉपिक वहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो इनकेस अगर किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको लगता है कि ये बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन हो गया, इससे मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान में आ रही है, तो उसके भी सारे के सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है. सो यू हैव टू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. कोई भी जो यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यानी कि सप्लाई या कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट 2 और यूनिट 3 था सप्लाई, तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम उसके कॉन्टेंट दे देते कि इसका कॉन्टेंट क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले अपन. तो उसके हिसाब से आप वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन से वीडियो में रहेगा. नॉर्मली हर एक पॉइंट के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में वो भी डाला है कि इस वीडियो में क्या चीज कवर की हुई है. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड आउट दैट वीडियो एंड यू कैन वॉच द वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विथ अटमोस्ट क्लैरिटी. और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट का ऑप्शन तो है ही अपने पास. चलिए फिर लेट अस स्टार्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16. इफ अ गुड इज लग्जरी इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है. तो डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसके अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट. उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के गुड्स देखे थे, इन्फेरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल के अंदर भी नेसेसिटीज और कम्फर्ट गुड्स एंड लग्जरीज. तो लग्जरी के केस में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो एक लेवल के बाद में, एक टाइम तक तो लग्जरी गुड्स आप लेते ही नहीं हो, करेक्ट. पहले तो अपना गोल होता है कि मैं नेसेसिटीज फुलफिल करूँ. तो इसलिए एक टाइम के बाद में जब लग्जरी गुड्स लेने को जाते हैं तो उसके ऊपर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है. और इनकेस अगर इनकम कम होता है तब भी लग्जरी गुड्स का जो कंजम्पशन है वो सबसे पहले कट डाउन हो जाता है. तो इसके लिए यहाँ पे जितना प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट इनकम पे आ रहा है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आता है लग्जरी गुड्स के कंजम्पशन पे. कि इनकम थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा इनकम नॉर्मली 1 लाख रुपए से 1.25 लाख हो गया, तो मैं जाके 50 लाख, 15-16 लाख की कार परचेस करता हूँ क्योंकि मैं 25,000 का ईएमआई पे कर सकता हूँ. तो जो लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू योर इनकम. बट उसी टाइम पे अगर इनकम मेरा कम होता है तो ऐसी जगह पे लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन भी सडनली कम हो जाता है. तो इसके लिए ये इलास्टिक तो रहता ही है बट ये रिलेटिवली इलास्टिक रहता है, मतलब 1 से ज्यादा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17. द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग्स डिमांडेड फॉल्स बाय 25%. दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर हॉट डॉग्स इज. कुछ भी करना नहीं है अपने को, हमने ये पहले भी लिख के लिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट. यही केस है ना यहाँ पे, राइट. प्राइस के अंदर कितना इंपैक्ट आ रहा है, 22%. डिमांड के अंदर कितना इंपैक्ट आ गया, 25%. तो ऐसे जब रहते हैं तो क्या रहता है, इलास्टिक. सिंपल है, बहुत है ना. 17 का द करेक्ट आंसर इज ए. बाकी भी पढ़ लेना है सारा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी और परफेक्टली इलास्टिक. तो आंसर इज इलास्टिक. अगर यहाँ पे कहीं एक हर ऑप्शन में रिलेटिवली इलास्टिक रहता तो वी वुड हैव चोजन दैट रिलेटिवली इलास्टिक, बट वो है नहीं. तो इलास्टिक यही वाला जो आंसर है वो सही रहेगा, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%. देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5%. वेन द प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, करेक्ट. प्राइस कितने से बढ़ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%. ये किसका है, मटन की डिमांड के बारे में बात कर रहे, प्राइस की बात कर रहे चिकन की, ठीक है. तो क्या पूछ रहे, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज. सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंट भी दे दिया ना आपको, 5% डिवाइडेड बाय 20%, परसेंट की जरूरत ही नहीं है. 5/20, 1/4, यानी कि 0.25, करेक्ट. सो द आंसर इज 0.25 और आंसर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों भी इंक्रीज हुआ है ना, ये भी इंक्रीज हुआ है एंड द प्राइस ऑफ द चिकन भी इंक्रीज हुआ है. तो माइनस में आंसर नहीं आएगा,
प्लस में ही आंसर आएगा, राइट। तो माइनस 0.25 कब आता है, एक की प्राइस इंक्रीज होती है, दूसरे की डिमांड डिक्रीज होती है तब। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज, विच वन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कौन सी ऐसी केस है जिसके अंदर कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, राइट। चलो, पहला केस बोल रहे हैं डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। जब डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होता है, हमने इसका इंटरप्रिटेशन भी लिखा है कि यूनिटरी इलास्टिक जब रहेगा और जब प्राइस फॉल हो जाएगा तो उस केस में एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, टोटल इनकम ऑफ द सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर शैल इंक्रीज, बराबर। तो ये केस यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंडिचर एक तो हम इनकम इलास्टिसिटी के हिसाब से देखेंगे तो यूनिटरी में सेम रहता है, करेक्ट। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर यूनिट इलास्टिक का क्या बोलते हैं क्राइटेरिया ही वही है कि प्राइस कम होने दो या बढ़ने दो, आपका एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। बी बोल रहे डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। अब यहां पे क्या होगा पता है, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। लगे तो आप जाके इंटरप्रिटेशन देखो इसके, करेक्ट। इलास्टिसिटी के अंदर ये पूरा हमने सब कुछ पढ़ा है, बराबर। तो प्लीज गो एंड चेक दैट। सी है डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। अगर ये केस में प्राइस कम हो गई ना, इन इलास्टिक के केस में दोनों भी सिमिलर डायरेक्शन में जाते हैं। इन इलास्टिक के केस में क्या होता है, प्राइस अगर कम हो गई तो एक्सपेंडिचर भी कम होता है, दोनों भी सिमिलर डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि इलास्टिक के केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। देखना ऑप्शन बी में प्राइस बढ़ रही थी और एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, क्योंकि वहां पे इलास्टिक है, इलास्टिक में प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन इन इलास्टिक के केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो प्राइस कम हो गई तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा, लेकिन हमको ढूंढना कौन सा सिचुएशन है जिसमें एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। द लास्ट वन इज डिमांड इज इन इलास्टिक, मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाएगा, एंड प्राइस राइजेस मतलब प्राइस बढ़ गई तो अब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जरूर, यस। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो ये जो मेथड है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोलो या टोटल, ये इसका एक्चुअली ये आएगा टोटल आउटले मेथड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये टोटल आउटले मेथड का है, टोटल आउटले मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक अगर है, डिमांड इलास्टिक अगर है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कि अगर ये बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर ये कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। और वही इन इलास्टिक सॉरी 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 इलास्टिक में अपोजिट डायरेक्शन, ये गलत है। इलास्टिक के अंदर क्या होता है, इलास्टिक के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और इन इलास्टिक के केस में सेम डायरेक्शन में जाता है, इन इलास्टिक केस में सेम डायरेक्शन में जाता है। ये अगर ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आया तो ये भी नीचे आएगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो गो एंड चेक दैट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी का मतलब क्या रहेगा, तीन स्टेटमेंट गलत रहेंगे पर एक सही रहेगा, या फिर एक इसके अंदर ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब एक हो सकता है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही। अभी लेटेस्ट चेक क्या हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। अरे ये तो सही है, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब ही क्या है, सप्लाई और प्राइस के बीच का रिलेशन है, कि प्राइस को कितना, इसका सप्लाई पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है प्राइस का, राइट, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कॉम्प्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो फॉर्मूला ही है, कोई देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। ये भी परफेक्ट है, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर तीन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, हमें गलत ढूंढना है, ऊपर ढूंढना था अपने को सही स्टेटमेंट, करेक्ट। यहाँ पे 21 में ढूंढना है अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट की गलत क्या है इसमें से, बराबर। चलो,
देखते ए, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब ही कॉम्पिटिंग गुड्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, एक के गुड्स की प्राइस का फॉल, प्राइस ऑफ वन, सेटरिस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। बराबर है ना? सब्स्टिट्यूट कौन सा है? चाय कॉफी है, राइट, टी एंड कॉफी। तो कि क्या बोल रहे, व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, अ फॉल इन द प्राइस, टी की प्राइस कम हो गई तो क्या होगा बच्चों, जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो भी चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि चाय सस्ती हो जाएगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो बराबर बोल रहे हैं, लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब चाय का जो सब्स्टिट्यूट कॉफी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट, यहाँ पे मैं बाजू में लिखता हूँ करेक्ट। बी देखो, व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रिंटर और इंक पकड़ लो, प्रिंटर एंड इंक, क्या बोल रहे, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, मतलब प्रिंटर की प्राइस अगर कम हो गई, मतलब प्रिंटर की डिमांड बढ़ जाएगी, प्रिंटर की डिमांड बढ़ी तो इंक की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन यानी कि प्रिंटर विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज, बराबर, प्रिंटर की प्राइस फॉल हो गई, प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी, प्रिंटर की डिमांड बढ़ी तो इंक की भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, नो प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सी, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्या बोल रहे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा, ये भी करेक्ट लग रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डी, व्हेन अ कमोडिटी बिकम्स फैशनेबल पीपल प्रेफर टू बाय इट एंड देयर फॉर इट्स डिमांड इंक्रीजेस, अरे ये भी तो करेक्ट लग रहा है ना, ये भी तो करेक्ट लग रहा है, फिर क्या गलत, गलत क्या है, फिर गलत क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं, गलत क्या है बताऊं, ये वर्ड गलत है, ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ऐसा, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, ये हमेशा नहीं होता, कब नहीं होता, हमेशा इन्फेरियर गुड्स के केस में नहीं होता है ना, इन्फेरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ी तो डिमांड कम होती है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे बोलते कि नॉर्मली, अगर ये वर्ड यूज होता नॉर्मली या ज्यादातर टाइम पे ऑफन, ऐसे वर्ड यूज होते तो ये सही रहता, बट ऑलवेज मतलब इन द 100% ऑफ द केस ऐसा नहीं होगा, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको जोड़ दो इन आई एन पहले, ये इनकरेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन सही है ये, करेक्ट, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें ढूंढना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्यों हुआ ये, ऑलवेज की वजह से, ऑलवेज को राउंड कर दो, ऑलवेज नहीं चाहिए, बराबर। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 22, सपोज द प्राइस ऑफ अ मूवी सीन एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 पर पर्सन, 120 को मैं बोलता हूँ पी टू 200, ये हो गया P1, बराबर, PP1, द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन द प्राइस कॉजेस अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी टू फॉल, ये हो गई क्वांटिटी, तो 300 हो गई Q1, सॉरी Q, 300 हो गई Q, एक मिनट, 300 को हम बोलते हैं, आ गई मान लो Q, एंड 200 पर पर्सन हो गई ये Q1, ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मूवी, तो देखो क्या क्या, हम एक बार डेटा एक जगह लेके आ जाते, पी इज इक्वल टू 120, P1 200, Q 300 एंड Q2 इज 200, बराबर। चलो आगे क्या लिखा है, देखो यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है, Q1 Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस P इंटू Q1 प्लस क्यू अपॉन, सॉरी इंटू P1 प्लस P अपॉन, एक मिनट, अपॉन Q1 प्लस क्यू इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, Q1 माइनस क्यू कितना है, Q1 माइनस क्यू यानी कि ये Q1 है, ये 200 इज Q1, Q1 इज 200 माइनस 300 अपॉन, P1 कितना है 200 माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाय, P1 प्लस P कितना आ रहा है, 200 प्लस 120 अपॉन Q1 प्लस Q,
200 प्लस 300, सॉल्व करो इसको कितना बन रहा है, माइनस को इग्नोर कर देंगे, 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 320 अपॉन 500, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 ये आ गया 5, 81 जा 80, 84 जा 320, 4/5 यानी कि 0.8 बराबर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 0.8। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर बराबर। चलो समझ आ गया, आई देख लो एक सेकेंड एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 23। सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर, इफ द प्राइस ऑफ अ प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 300 टू 200। ये क्या है बच्चों, ये है पी, ये है 200 P1 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 3000, मतलब ये है Q टू 5000, ये है Q1। सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, और क्या फॉर्मूला, मतलब मेथड कौन सी यूज करनी है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो फिर से एक बार ये लिख लेते हैं, पी पी वन क्यू क्यू वन कितना कितना है, देखो पी और पी वन कितना है, 300 और 200, 300 200, क्यू कितना था 3000, क्यू वन कितना था 5000। फॉर्मूला लिखो, क्यू वन माइनस क्यू अपॉन पी वन माइनस पी इंटू पी वन प्लस पी अपॉन क्यू वन प्लस क्यू इज इक्वल टू, क्यू वन माइनस क्यू कितना आ रहा है, क्यू वन है 5000 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी, देखो कितना आ रहा है 200 माइनस 300 इंटू पी वन प्लस पी कितना आ रहा है 5000, सॉरी ये 5000 तो क्वांटिटी है ना, हाँ प्राइस कितना आ रहा है 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू 5000 प्लस 3000 बराबर। सो कितना आता है ये 5000 माइनस 3000 यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 300, 100 आएगा, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, 300 प्लस 200 कितना आ रहा है 500 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 3000 यानी कि 8000 बराबर। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2000 जा 2000, 2000 फोर जा 8000, 100 वन जा 100, 100 फाइव जा 500, सो 5/4 इज इक्वल टू 1.25, 1.25, सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट। श्योर, सो ये देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 24। When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means, जब उनकी numerical value बहुत बड़ी आती है तो उसका मतलब क्या होता है, when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means the goods are perfect complements and therefore have to be used together, the goods are perfect substitutes and can be used with ease in place of one another, there is a high degree of substitutability between the two goods and the goods are neutral and therefore cannot be considered as substitutes. Sure. So what is the correct option? अब यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स अगर है और उसकी वजह से ये गुड्स अगर साथ में यूज करने पड़ रहे हैं अपने को, तब क्या होगा, अगर एक की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब आंसर निगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स के अंदर ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो माइनस वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए राइट, माइनस तो नहीं आना चाहिए मतलब, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपका आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ इलास्टिसिटी ज्यादा है ऐसा नहीं बोल रहे, सिर्फ इलास्टिसिटी ज्यादा है बोलते तो अपन निगेटिव भी कंसिडर करते हैं, क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर्स के फॉर्म में ज्यादा आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। बी बोले द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैन बी यूज विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक गुड्स गया दूसरा यूज हुआ था करेक्ट, तो यहाँ पे इन्फिनेट आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर नहीं। तीसरा है,
देर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स। तो ये हाई डिग्री की वजह से क्या हो जाता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, 1% 2% चेंज इन प्राइस विल हैव अ 30-40% इम्पैक्ट ऑन डिमांड। तो इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी आएगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। एंड द लास्ट वन इज द गुड्स आर न्यूट्रल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ सब्स्टिट्यूट। अब न्यूट्रल है तो ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऐसे टाइम पे एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेंगे ही नहीं, और इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में आएगा आंसर। करेक्ट, निगेटिव आंसर आएगा यहाँ पे, निगेटिव आंसर आएगा एंड देयरफॉर न्यूमेरिकल वैल्यू हाई नहीं आएगी। बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। करेक्ट, और सी क्यों नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट, नो रिलेशन, नो रिलेशन की वजह से ही नहीं आएगा। तो हाई डिग्री सिर्फ सी के ही केस में आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। इफ द लोकल पिज़्ज़ेरिया राइजेस द प्राइस ऑफ अ मीडियम पिज्जा फ्रॉम 60 to 100, करना क्या अपने को, आर्क इलास्टिसिटी मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। बराबर, तो ये प्राइसेस नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। पी आ गया मेरा 60, P1 आ गया 100, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 700 पिज्जास टू अ नाइट टू 100 पिज्जास टू अ नाइट। कितना फर्क पड़ गया देखो, Q आ गया 700, Q1 आ गया डायरेक्टली 100। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पिज्जा इज, कितना आएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q कितना आ रहा है, 100 माइनस 700 अपॉन P1 माइनस P, 100 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P करो, 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q करो, 700 प्लस 100 कितना आ रहा है, ये 100 माइनस 700 600 लिखेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 800। क्या आ रहा है आंसर, 41 जा 40, 44 जा 160, 41 जा 4 ये नीचे आएगा 200, और 201 जा 200, 203 जा 600, तो आंसर आ रहा है 3। करेक्ट, सो डी इज द राइट ऑप्शन। इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक, इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, अगर चार्जेस बढ़ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर इंक्रीज हो गए, तो पहली बात तो समझो क्वांटिटी डिमांडेड कम होने वाली, क्वांटिटी आपकी कम होगी, क्वेश्चन है कितनी कम होगी। तो इन इलास्टिक रहने की वजह से कम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, राइट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पढ़ो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, करेक्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, ये भी करेक्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज तो होगी नहीं, फॉल ये भी करेक्ट आ सकता है। तो मतलब ए सी, ए बी और डी में से कोई तो करेक्ट आएगा। आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं, बाय अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये गलत आ गया, बाय अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट आ सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, फिर भी डी पढ़ लेंगे, सी तो पहले कट कर दिया हमने, अब डी पढ़ लो। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल इन द शॉर्ट रन बट राइज इन द लॉन्ग रन, तो ये तो ऐसा नहीं होगा, करेक्ट, इट विल बी फॉलिंग इटसेल्फ, क्योंकि लॉन्ग रन में बढ़ेगा कैसे ना डिमांड, अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम ही होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट देखो, सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइसेस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग राइजिंग प्राइजेस इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली, अब देखो पहले तो फिर से पढ़ो क्या बोल रहे हैं, सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, इलास्टिक करेक्ट, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग राइजिंग प्राइसेस इट कैन एक्सपेक्ट अ, डिमांड तो कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी और इसका प्रोपोर्शन भी हाई रहेगा। बराबर, देखो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ये सही हो सकता है, लार्ज फॉल इन डिमांड ये भी सही हो सकता है, स्मॉल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ये नहीं हो सकता, स्मॉल तो नहीं आएगा, एंड डी भी पढ़ लो, स्मॉल फॉल इन डिमांड तो स्मॉल तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आया ए और बी में से कौन सा करेक्ट है, राइट, अब लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे या लार्ज फॉल इन डिमांड बोलेंगे, ये किस पे है, ये क्वेश्चन डिपेंड किस पे, पढ़ने को तो ए और बी सिमिलर ही लग रहे, बट हमने वो पढ़ा था याद आ रहा है आपको, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर जिसको हम बोलते थे चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
या फिर हम इसको बोलते थे इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड। तो डायरेक्टली जब डिमांड ये आएगा ना, लार्ज फॉल इन डिमांड, तो ये इसका मतलब है ये डिक्रीज होगा। और लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड आया ना, क्वांटिटी मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। आप मुझे बताओ डिमांड कम होने का रीजन क्या है, डिमांड कम होने का रीजन क्या है, प्राइस है राइट। तो प्राइस की वजह से जो भी चेंज आता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज आया तब क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, बी को फिर से अपन कट कर देंगे। अगर कोई दूसरा रीजन रहता तो फिर बी करेक्ट रह सकता था, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, इस तरीके से आपको सोचना है एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 28, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर हमने पॉइंट लिखा है, एक बार लगे तो पन्ने पलटा के देखो, हमने लिखा है। पॉइंट इलास्टिसिटी कहाँ पे यूजफुल है, जब इन्फिनिटेसिमल चेंज है। इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, तब पॉइंट इलास्टिसिटी सही। तो ए तो गलत है ही। बी, अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग टावरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस बाय 50%। अरे 50% मतलब इन्फिनिटेसिमल थोड़ी होता है, बहुत बड़ा चेंज है, ये भी नहीं है। एंड ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू द प्राइस ऑफ कार्स बींग लोअर्ड बाय 100। यही करेक्ट है, क्योंकि कार की प्राइस नॉर्मली होती है 5 लाख, 10 लाख, है ना, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे। इसमें 100 रुपए का चेंज मतलब क्या है, कल कोई कार 5 लाख में मिल रही थी, आज 4,99,900 रुपए मिल रही है। तो ये 100 रुपए कम होने की वजह से डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्या, लोग अरे 100 रुपए से डिस्काउंट मिल रहा है चलो लेने जाएंगे, नहीं पड़ेगा कोई फर्क, क्योंकि 5-10 लाख की चीज है, 100 रुपए मायने नहीं रखते। करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। प्राइस कम करने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, कब होगा ऐसा। सबसे पहली बात तो समझो, प्राइस हो रही है कम और ये इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू मेथड है ये, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे मतलब इलास्टिक। पहली बात तो समझ लो, अगर दोनों सिमिलर डायरेक्शन में जाते तो इनइलास्टिक होता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे मतलब इलास्टिक है। ठीक है, मैं यहाँ पे सामने हिंट के लिए लिख लेता हूँ इलास्टिक, फिर ऑप्शन देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जो बदलाव आ रहा है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हमको इलास्टिक वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो ये नहीं होगा। बी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आ सकता है, फिर भी बाकी पढ़ लेंगे। डिमांड इज इलास्टिक, ये तो है नहीं, हमने पहले लिख लिया डिमांड इलास्टिक है। और डी, द कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच द प्राइस इज वेरी लो एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी हाई, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। प्राइस भी बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, दोनों भी बढ़ रहा है मतलब इन इलास्टिक। पहले मैं हिंट के लिए लिख लेता हूँ, फिर पढ़ेंगे ऑप्शन। देखो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट रह सकता है ये। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अरे ये भी सही रह सकता है राइट। अच्छा हाँ नहीं, ये सही नहीं रहेगा, ये ज्यादा है ना, सॉरी ग्रेटर है ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, हमको इन इलास्टिक वाला ढूंढना है। डिमांड इज इलास्टिक ना, ये भी सही नहीं होगा, हमने इन इलास्टिक लिखा है ऑलरेडी। एंड द कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच द प्राइस इज वेरी हाई एंड द क्वांटिटी, ये भी नहीं होगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, समझ आ गया, 30 का करेक्ट आंसर इज ए। ओके श्योर, तो इसी टाइप से 15-15 क्वेश्चंस लेंगे हम हर एक वीडियो में। प्लीज गो एंड चेक द वीडियोस। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है वीडियोस ढूंढने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो सबके लिंक मिल जाएंगे, तो सिक्वेंशियली आप सारे वीडियोस देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।